Why did Akbar Shah come to see Bose? Sir, my information is that he came to consult Bose regarding the All India Forward Bloc Conference in Delhi. And will Bose attend the meeting? No, sir. He's too weak to travel after his hunger strike. But he went to the Congress meeting on a stretcher. He had to, because Gandhi's men suspected he was feigning an illness. Whatever it is, see that he does not leave Calcutta. I do not want him out of my sight. Left to me, I would keep him in prison for the rest of his life. तभी तो मैंने सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने का मन बना लिया है माँ। तो फिर क्या आप श्री औरबिंदो के पांडिचेरी आश्रम चले जाएंगे काकू? हो सकता है। ये भी कोई उम्र है दाढ़ी बढ़ाकर संन्यास लेने की? वो भी ऐसी हालत में? तुम चिंता मत करो माँ। इला पर्दे के पीछे मेरा खाना पहुँचा दिया करेगी और जो मुझे चाहिए होगा मैं लिख कर आप लोगों को बता दिया करूँगा। तुझसे बात करना तो दीवार से सर टकराना है। शरत, तू ही समझाना इस पागल को। माँ, आज से पर्दे के पीछे रहकर मैं एकांतवास करूंगा। इस मौन व्रत में ध्यान करूंगा, नीचे जमीन पर सोऊंगा, भोजन भी दिन में एक ही बार करूंगा। इस तरह 15 दिन तपस्या करने के बाद मैं संन्यास धारण कर लूंगा। माँ, मैं यहां रहूं या कहीं और, तुम्हारे दिल में ही तो रहूंगा ना। किरण भाई, खबर लाया हूँ। क्या? सुभाष बाबू संन्यास लेने वाले हैं। क्या बकता है, सियासतदान भी कभी संन्यास लेते हैं? उल्लू का पट्टा। ठाकुर जी के कसम, बचपन में भी तो एक बार हिमालय भाग गए थे साधु बनने को। अगले 15 दिन अपने कमरे में ध्यान पूजा करेंगे। और क्या है कि जो भी गांधी बाबा से उलझेगा उसके पास और क्या बचेगा करने को, शिवाय सन्यासी होने के। हो सकता है मेरे जाने के बाद पुलिस यहाँ आए और तुम लोगों को ले जाए पूछताछ के लिए, शायद जेल भी जाना पड़े। टूटोगे तो नहीं? तुम दोनों घबराओगे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा, ठीक है? चलो।
लगता है आज बहुत जल्दी में है शिशिर बाबू। काकू अब आप सीट पे बैठ सकते हैं। पुलिस अब क्या होगा? आराम से गाड़ी रोको, बस इतना याद रखो तुम इस गाड़ी के मालिक हो और मैं तुम्हारा ड्राइवर जियाउद्दीन। अब ये क्या गाड़ी है? जी हाँ मेरी। क्यों क्यों क्या है? क्यों क्या? पुलिस का काम होता है सब पे नजर रखना। कलकत्ता का नंबर है, गाड़ी में कागज पत्र रखे हैं कि खाली है गाड़ी घुमा रहे हैं? बोस 38/2 एल्गिन रोड शिशिर। पहचान वाला है काम नेतवा के? का कहते हैं जय सुभाष चंद्र बोस। सुभान अल्लाह क्या नजर रखते हैं दरोगा साहब। ये सुभाष बाबू के सगे भतीजे हैं। कभी सुभाष बाबू से मिलने का शरफ हासिल हुआ है आपको? जी नहीं। कभी ना कभी आपकी उनसे मुलाकात जरूर होगी। वैसे आगे धनबाद तक की सड़क पर कोई खतरा तो नहीं है ना? अरे हमारे रहते यहाँ खतरा कैसा है साला। और सुनो गाड़ी जरा धीरे चलाना सड़क पर, जंगली जानवर सामने आ जाते हैं। और तुम जा रहे हो साहब के साथ? ड्राइवर हूँ दरोगा साहब। तो ड्राइवर हूँ तो बचवा से गाड़ी कहे चलवा रहे हैं? मैं नहीं कहा था काका से। काका जन्म से सुभाष बाबू के साथ रहा हूँ तो घर के सारे बच्चे काका काका कहते हैं। क्या हुआ दरोगा साहब? अरे कुछ नहीं हुआ, गेट खोल दे। खुदा हाफिज। रिलैक्स, जंगली जानवर तो कोई दिखा नहीं उस दरोगा के सिवाय। सॉरी काकू मैं एकदम घबरा गया था, ये सब नाटक मुझसे नहीं होता। शिशिर तुम यहाँ? खबर तो की होती। मैं सुभाष काकू के साथ आया हूँ। काकू कहाँ है? है पर वो काकू नहीं है, वो मोहम्मद जियाउद्दीन है, इंश्योरेंस एजेंट। रात तक उन्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि उन्हें काल का मेल पकड़नी है। मालिक आपसे कोई दाढ़ी वाला मुसलमान मिलने आया है। मैं चला मीरा बोदी के पास। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। नमस्ते। सामान ले लो, आइए। मिस्टर अशोक कुमार बोस, मायसेल्फ मोहम्मद जियाउद्दीन, इंश्योरेंस एजेंट। आपको मुझसे क्या काम है? आप इंजीनियर हैं, आप तो जानते हैं कोयले की खानों में कितना खतरा होता है। खतरा तो है मिस्टर जियाउद्दीन, इस काम में बहुत खतरा है, पर इस समय मुझे इंस्पेक्शन के लिए माइन पे जाना है। आप शाम को आकर आराम से बात कर लीजिएगा मुझसे। शाम को? मैं झरिया से बामुश्किल तमाम आपसे मुलाकात करने आया हूँ, बस 10-15 मिनट में बात पूरी हो जाएगी।
अच्छा सुनिए, आप लंच के लिए घर वापस आ रहे हैं ना? मेरी वाइफ मीरा और मेरा छोटा भाई शिशिर। आदाब, माफ कीजिएगा मिस्टर जियाउद्दीन, मैं जरा जल्दी में हूं, आप यहीं आराम कीजिए, मैं शाम को आकर आपसे मिलूंगा। मीरा, मिस्टर जियाउद्दीन भी हमारे साथ लंच करेंगे। लेकिन वो तो मुसलमान है। मेरा खाना आप यहीं भिजवा दीजिएगा मेम साहब। आप इत्मीनान रखिए मिस्टर बोस, मैं जाते ही आपकी पॉलिसी भिजवा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूं मिस्टर जियाउद्दीन, ऐसे कामों में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बोस, और मेम साहब को भी मेरा सलाम दीजिएगा, मैंने बहुत जहमत दी है आप लोगों को। अब इजाजत चाहता हूं। मैं आपको मोटर से स्टेशन तक छोड़ दूं? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं अपना रास्ता खुद तलाशने का आदी हूं, पहुंच जाऊंगा। थैंक यू वंस अगेन। साहब का सामान दो। मिस्टर जियाउद्दीन, वुड यू लाइक अ लिफ्ट? यस, थैंक यू। गए थे तुम लोग? मुझे लगा आज सचमुच पैदल स्टेशन जाना पड़ेगा सारा सामान लेकर। सॉरी काकू, नौकरों को दफा करने में बड़ी देर लग गई। काकू कैमोन आज हो तुम्हें मीरा? काकू सॉरी काकू, मैंने आपके साथ कैसा बर्ताव किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि... तुमने बिल्कुल ठीक किया मीरा, किसी को शक भी नहीं हुआ कि तुम मुझे जानती हो। हाँ लेकिन मैं... आप अभी घर चलिए, मैं अपने हाथों से खाना बनाकर आपको शिशिर घर ले जाऊंगा। नहीं मीरा, फिर तो सबको शक हो जाएगा, और वैसे भी बहुत दूर जाना है मुझे अभी। जनाब मैं चलता हूं, अब आप लोग भी जाइए, खुदा हाफिज़। कुली सामान ले लो।